हर कहानी में एक सैलाब का होना जरूरी है, और इस कहानी में हमारे पैर खुद ब खुद उस सैलाब की तरफ बढ़ रहे थे। अब तो मैं आजाद हो गया हूँ, पर जिस दिन वो दोनों मेरे हाथ लगेंगे, सबक मैं सिखाऊंगा। उसके लिए तो वैसे भी अपने हाथ ही काफी है। अरे ये अभी भी लगा है। दम में तो दरवाजा बंद करके दिखा। नहीं कर सकते, हम दरवाजा बंद नहीं कर सकते। देखो तो कितनी हंसी है इसके चेहरे पे। बेटा बेटा तुम्हारी शामत आई है। शामत तो तेरी आएगी मोटू। बढ़िया तू भी बढ़िया, पर मैं आजाद हूँ चिड़िया। रख तू अपनी फुल झड़िया, बढ़िया बढ़िया। पगली मैं हूँ छोरा जंगली, अरे काहे को बनाना चाहे मेरी चटनी। पर मैं आजाद हूँ चिड़िया, रख तू अपनी फूल झड़िया, बढ़िया बढ़िया। शामत तो मेरी उस दिन भी आ गई थी जब मैं उस पहलवान के सामने नाचे जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अपने इशारे पर नचाने वाला है। मेरे दिमाग ने तो उस समय चलना भी बंद कर दिया था, और वो पहलवान बार बार मुझे धमकाए जा रहा था। और तू क्या बोलता है बे? बच्चा है, बच्चा माफ कर दो, मुझे मत कहो।
किस्मत भी उस दिन हमारी कसौटी पर रखना चाहती थी, ना चाहते हुए भी तजेंद्र की धोती हमसे खुल गई। आप जो बोलोगे हम करेंगे तज्जुपा जी। यार अच्छा तो चल रहा था, थोड़े लिए मेरे लिए और करो। चलो गाना सुना आपको, मगर वो बारी चला की नहीं चलेगी। चलो फूके ये दुनिया, रख तू अपनी फूल झड़िया बढ़िया बढ़िया। अब हर बार तो जीत हमारे हाथों लग नहीं सकती, इसलिए उस दिन हार को ही जीत मानकर वहां से भाग निकली। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अक्सर लोगों से लोगों की खुशी देखी नहीं जाती, और यही हमारे साथ भी हुआ। तजिंदर हर मुमकिन प्रयास करके हमारी दोस्ती तोड़ना चाहता था, दरार लाना चाहता था हम दोनों के बीच। अरे तू क्या कर रहा है यार इधर? देख आज मैं ना मस्ती के मूड में नहीं हूँ, ठीक है? तो किसी की दौर सुन, आज तुझे कुछ समझाने आया हूँ। क्यों? क्योंकि तू अपना है, गैरों के साथ रहना छोड़ दे। गैर कौन है? इमरान। इमरान गैर कैसे हो गया यार? गैर है वो हमारा, अपना नहीं है। उसको देख, अपने को देख। दोस्ती कोई मजहब नहीं देखती। इमरान की दोस्ती ने तो झंडा बना दिया है। आज तुझे दिख नहीं रहा कि तू क्या और वो क्या है, मगर तुझे जब होश आएगा, उसकी दोस्ती से बाहर निकलेगा, तब तुझे होश आएगा कि सही मैं सही था और तू गलत। दोस्ती करने वाले आंखों पे पट्टी बांध के ही चलते हैं, बस विश्वास पे दोस्ती की जाती है, धर्म पे नहीं। तजिंदर तो समझता क्यों नहीं, हम सब ईश्वर की रचना है, हम सबको ईश्वर ने तो बनाया है। विश्वास में ही विश्व का वास होता है कभी कभी। आज तुझे इस बात का समझ नहीं आया, क्यों? क्योंकि अभी विष डूबा हुआ है, छुपा हुआ है, और तुझे उस दिन पता चलेगा कि मैं सही कह रहा था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आज देखने को भी मिल रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी भरत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। वो तो पराया था, पर तू तो अपना था। मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ बताता सुनाता समझता, मगर तू। तजिंदर ने मुझे भड़काने की बहुत कोशिशें की, पर मैंने इमरान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना। और भरत कैसा है? और हमें सारे सब बढ़िया है। इमरान कैसा है? इमरान भी ठीक है, अच्छा मिलते हैं। इमरान, इमरान ने तो मुझे मिलने बुलाया था ना। जब तजिंदर की बातों का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ा, तो उसने अपना अगला शिकार इमरान को बनाया। उसने उस दिन
इमरान को मेरे खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिशें की। आज तुझे मारने नहीं आया, आज तुझे समझाने आया। हर बार तू सोचता होगा कि दुश्मन की तरह, मगर आज दोस्त बनके कुछ बताने आया। क्या बताने आया? बताओ बताओ। कुछ दोस्त बनके समझाने आया हूँ। सुन रहे कि नहीं? भरत का साथ छोड़ दे अगर अच्छा ही चाहता अपने लिए तो। देख उसका धर्म देख अपना धर्म, उसको देख अपने को देख। उसके पीछे तो सब समाज खड़ा रहेगा, तेरे लिए कौन खड़ा रहेगा? बड़ा ही चाहता है, छोड़ दे साथ उसका, दोस्ती छोड़ दे। क्या मिली उसकी दोस्ती से तुझे? कुछ मिला तुझे आज तक? तुम्हारे पीछे क्या क्या लोग बात करते हैं शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। जिस दिन अंदाजा होगा ना उस दिन तुम खुद सोचोगे हाँ मेरे भरत की दोस्ती क्यों नहीं तोड़ दी। अपना मजहब छोड़ के हिंदू के मजहब में घुसता है? क्या लगता है वो तेरा है, वो तेरा क्या लगता है वो तेरा है जो बार बार तुझे कह रहा था भरत भरत भरत? सौ बात की एक बात, भरत की मौजूदगी इमरान के लिए ऑक्सीजन का काम करती है, तो आगे से मुझे समझाने की कोशिश मत कर। तुझे मैंने कितना समझाया, कितना समझाया, तुझे समझ नहीं आता ना? जा जा चले जा। तजिंदर हम दोनों को किसी भी कीमत पे अलग करना चाहता था, इसलिए ये उसकी आखिरी कोशिश नहीं थी। उसको तो कितना मैंने समझाया, उसको तो समझ नहीं आता। दोस्त किसका है? खुली आंखें होने के बाद भी बंद आंखों से कुएं में कूदते हो, पता नहीं चलेगा तुम्हें। पर तुम्हारे बीच में दखल देने वाला मैं कौन होता हूँ? मगर तुम्हारे को मेरी छत पर ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रामा नहीं चलेगा मेरी छत पर तुम्हारा। ड्रामा तो रोज हुआ था जिंदर, बस हीरो बदल जाएंगे। उस दिन एक छोटी सी सही पर एक लकीर हम दोनों के बीच खिंच चुकी थी। अरे बस कर, क्या हुआ यार? मेरे लिए मरने तक तैयार थे तुम? मरने को नहीं मारने को तैयार हो। किसको? तुझे और किसे? दोस्त वही है जो आपको अपना मान सके। ओहो हो, वाह वाह वाह, आपके गम को बिना बताए जान सके। अच्छा, दोस्त वही है जो आपको अपना मान सके, आपके गम को बिना बताए जान सके। आपके गम को बिना बताए जान सके। आप चल रहे हो तेज बारिश में फिर भी, आप चल रहे हो तेज बारिश में फिर भी आपके आंसू पहचान सके। शेरी शायरी तो सिर्फ बातों में अच्छी लगती हैं। अभी कभी ऐसा मौका मिले तो जिसमें कि हमारे दोनों की जान की बाजी लग जाए, उस समय बता तू अपनी जान बचाएगा या मेरी? उस दिन मैंने उससे एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब मुझे भविष्य के गर्भ में मिलने वाला था। एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे।